हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास टेंथ के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, चैप्टर धातु और धातु से है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों? सोना या फिर चांदी या फिर प्लेटिनम, इसका उपयोग मुख्य रूप से आभूषण बनाने में किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है पता है? प्लेटिनम सोना एवं चांदी जो है बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु में होती है। ठीक है, और साथ ही इसका संक्षारण भी नहीं होता है, यानी कि इस पर जंग नहीं लगता है। ठीक है, इनकी चमक भी तेज होती है, किसका? सोना या चांदी या प्लेटिनम का। इनका जो है, इनकी चमक भी तेज होता है, किसका? सोना या चांदी का। ठीक है, और बहुत पुराने हो जाने के बाद भी इनकी चमक बनी रहती है। सोना रे या फिर चांदी रे, पुराना हो रहेगा तब पर भी इसका चमक बना रहेगा, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। बोलिए, इसका आंसर आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, इसको अपने से लिखने का प्रयास कीजिएगा, और सेंटर एग्जाम में तो यह क्वेश्चन आया ही था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI है। ठीक है, क्वेश्चन है, सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्यों? सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम जो है, इन तीनों धातुओं को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल में डुबोकर। आखिर क्यों रखा जाता है तेल में डुबोकर, क्या कारण है, क्या रीजन है? यही क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और यह क्वेश्चन है जो है, यह क्वेश्चन जो है प्यारे साथियों, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जानिए, सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम सामान्य ताप पर नमी एवं हवा के ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम पता है, पोटेशियम एवं लिथियम, ये तीनों जो है अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अगर इसको खुला में छोड़ दिया जाए तो ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेगा और यह जलना प्रारंभ कर देगा, स्वतः जलना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, और तेल में रखने के बाद तेल में न तो ये घुलेगी, तेल में न तो ये घुलती है और न ही कोई अभिक्रिया करती है। ठीक है, इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए ही तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, किसको? सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। एल्युमिनियम जो है बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, यही क्वेश्चन है। तो जानिए इसका आंसर, एल्युमिनियम जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है, एल्युमिनियम ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसका संक्षारण भी नहीं के बराबर होता है, इसका संक्षारण नहीं के बराबर होता है, इसलिए इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में किया जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ लिखना ना है, लिखना है आपको एल्युमिनियम ऊष्मा का अच्छा चालक है, एक पॉइंट हुआ। उसके बाद लिखना है इसका संक्षारण भी नहीं के बराबर होता है, दो मुख्य चीज़ है, ऊष्मा का अच्छा चालक एल्युमिनियम है। ठीक है, और संक्षारण भी इस पर नहीं के बराबर होता है, इसीलिए इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में किया जाता है। तो हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट तीन क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है, हमने लिए थे इस वीडियो में। आई होप कि आपको पूरा का पूरा यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तीनों क्वेश्चन का, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।